Hello students, let us do one more question, important question from inverse trigonometry. Cos inverse x by a plus sin inverse cos inverse y by b is equal to alpha. हमें alpha के equal given है and हमें prove करना है x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा. ये हमें प्रूव करना है. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए को आप कुछ अज्यूम करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको आपको अज्यूम करना है ए, राइट. ए या एक्स आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, एक्स आप अज्यूम नहीं कर सकते सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही एक्स है. एंड कॉस इनवर्स ऑफ वाई बाई बी, इसको आप अज्यूम कर लीजिए बी के इक्वल, राइट. ओके, अब आप अगर यहाँ से एक्स बाई ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो एक्स बाई ए विल बी कॉस ऑफ ए, एंड y by b अगर फाइंड किया जाए इट विल बी cos ऑफ b, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास cos a और cos b की वैल्यू हैं, एंड हमने किया क्या है, इसको a अज्यूम किया है, इसको b अज्यूम किया है, राइट. सो दिस इज a, ये बीच का प्लस साइन एज इट इज, एंड दिस वन इज b इज इक्वल टू अल्फा, राइट. जो हमने सब्सटीट्यूट किया उसके बिहाफ पे अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू एल्फा, राइट. अगर इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दें, सो इट विल बिकम a कॉस ऑफ a प्लस बी. लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी आपकी, लेफ्ट साइड विल बी कॉस ऑफ a प्लस बी, एंड राइट साइड क्योंकि हमने बोथ साइड को एल्फा कॉस अप्लाई किया है, सो ये आपकी होगी कॉस ऑफ अल्फा, करेक्ट. लेफ्ट साइड को अगर हम कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी से ओपन करते हैं, देन इट विल बी कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, एंड विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, समझे आप. नाउ अब cos ऑफ a क्या है, cos a हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, cos ऑफ a इज x अपॉन a, इसलिए cos a के जगह आप क्या लिखेंगे, x अपॉन a इंटू cos b. व्हाट इज cos b, cos b इज y अपॉन b, दिस इज y अपॉन b, x अपॉन a इंटू y अपॉन b माइनस sin a. साइन ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी. कॉस ए आपको गिवन है, यहाँ पर कॉस ए है हमारे पास एक्स अपॉन ए, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए विल बी अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए, राइट. सो दिस इज अंडर रूट वन माइनस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन ए, इसलिए कॉस स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, करेक्ट. सो इट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, राइट. नाउ कॉस बी, कॉस बी क्या है, वाई अपॉन बी, और हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए साइन बी की, इसलिए साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. साइन बी विल बी अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वेयर बी, राइट. दिस इज वन माइनस कॉस स्क्वेयर बी इज वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, सो इट इज वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ठीक है. नाउ अब हम क्या कर रहे थे, कॉस ए की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी, कॉस बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर,
इन टू। साइन बी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, राइट? व्हाट इज दिस? कॉस ऑफ अल्फा। राइट साइड में वी हैव ऑलरेडी कॉस अल्फा, इसलिए ये एज इट इज रहा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एज इट इज रहेगा ये एक्स वाई अपॉन ए बी, ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी। और जो ये अंडर रूट है वन माइनस एक्स स्क्वेयर पे अंडर रूट है, वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इस पे भी अंडर रूट है, इसको हम कंबाइंडली लिख लेते हैं, कंबाइंड रूट लिख लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, कॉस ऑफ अल्फा को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सो कॉस अल्फा लेफ्ट साइड में अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इट विल बिकम माइनस ऑफ कॉस अल्फा। और ये जो हमारी टर्म है वन माइनस दिस, ये राइट इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, अगर इसको राइट में शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट? ये टर्म क्या हो जाएगी? ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ दोनों टर्म्स के ऊपर कंबाइंड अंडर रूट लगा देते हैं, सो इट विल बी वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर दिस इन टू। सेकेंड टर्म को भी इसी रूट के साइन के अंदर लिख दीजिए, सो इट इज वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ठीक है? दोनों टर्म हमारी एक ही अंडर रूट के साइन लिखी, अंडर रूट के साइन के अंदर हैं अब। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर स्केयर किया जाए तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट साइड क्या होगी? देखो जरा, स्क्वेयर से स्केयरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? और इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कई बार मैंने देखा है बच्चों को वो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से ये क्वेश्चन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप एलसीएम मत लीजिए, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कीजिए। सो वन इस वन से मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस वन को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज़ माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारी फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म वन से मल्टीप्लाई होगी, सो इट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एंड दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस, सो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, करेक्ट? लेफ्ट साइड में होल स्क्वेयर है, इसको हम ओपन करेंगे, अगर इसको ओपन करेंगे स्क्वेयर की आइडेंटिटी से इट विल बी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। टू ए बी मीन्स टू एक्स वाई अपॉन ए बी इन टू कॉस ऑफ अल्फा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, दिस इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये टर्म एज इट इज रही दोनों, प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इसको भी एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, राइट? लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर है एंड राइट साइड में भी हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट साइड में माइनस के जो दो टर्म है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, इन दोनों को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, सो इट विल बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये टर्म राइट से हमारे पास आई इसलिए पॉजिटिव हो गई। वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर को भी हम लेफ्ट में लिखेंगे, दिस विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, करेक्ट? नेक्स्ट कॉस स्क्वेयर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वेयर अल्फा को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा, राइट? राइट में हमारे पास सिर्फ वन बचा हुआ है और लेफ्ट से कॉस स्क्वेयर अल्फा भी हमें
राइट में शिफ्ट करना है, इसलिए दिस विल बिकम प्लस, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर राइट में लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इंप्लाइज अब लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy, 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड विच इज साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार प्लीज आप अच्छे से कर लीजिएगा।